हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंडियन इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एलपीजी, आपको नाम अजीब लगेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत नॉलेजेबल भी है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, सही है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कब एप्लीकेबल हुआ, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, इसके क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इनके लिए क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए, वो सब चीज़ें जो है वो अपन इस चैप्टर में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर में एंटर होते हैं, एलपीजी, सही है। तो देखिए चैप्टर है 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलपीजी, सही है। सबसे पहला पॉइंट तो मैं इसमें लूंगा कि सर रीजंस क्या है, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े ये हुए थे 1991 में, सर क्या जरूरत पड़ी। देखो इससे पहले 1950 से हमने इकोनॉमिक प्लानिंग चालू की और 1990 तक हम आए, लगभग 40 ईयर्स अपना इस पीरियड के अंदर हमने जो डेवलपमेंट सोचा था, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, उनका इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो पॉलिसीज फेल हो रही थी। हमने पब्लिक सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट किया पर पब्लिक सेक्टर नॉर्मली लॉस में जा रहे थे, तो ये दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है उसकी रेट बहुत ज्यादा थी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत खराब था, यानी हमारे इम्पोर्ट्स जो है वो तो बहुत ज्यादा हो रहे थे और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो रहे थे, ये भी दिक्कतें चल रही थी। हमारे रुपए की वैल्यू लगातार कम होती जा रही थी, तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और इकोनॉमिक क्राइसिस भी इतना ज़्यादा आ गया कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो उन पर प्रेशर बनाने लगे कि भाई आप अपनी पॉलिसी चेंज करें, इस तरीके से तो आप कभी लोन ही ना चुका पाएंगे, सही है। तो इस कंडीशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम से दूर करने के लिए जो रीजन जो थे वो ये थे और इनको दूर करने के लिए अपन को नई इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। 1991 में क्राइसिस हो गया, क्राइसिस क्या हो गया, एक्चुअली उस वक्त हमारे पास इतनी भी फॉरेन करेंसी नहीं थी, फॉरेन रेवेन्यू नहीं था कि हम हमारे इंटरेस्ट चुका सके, लोन तो बहुत दूर की बात, हमने इन 40 सालों में बहुत लोन लिए, जब भी डेवलपमेंट का कोई काम हो लोन ले लो। उस वक्त के जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर्स थे बेसिकली, उन लोगों ने हमेशा यही सोचा कि जब भी पैसे जरूरत हो लोन ले लो, ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इन लोन को चुकाओगे कैसे, और लोन तो छोड़ो आप इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे। तो 1990-91 के अंदर क्या हुआ कि हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारे पास इंटरेस्ट चुकाने के पैसे नहीं थे और इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ 15 दिन का ही रेवेन्यू बच गया था, अब पैसे है नहीं और पैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक देने को तैयार नहीं था, इस कारण से हमें उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए जो लोन की डेट्स आ गई थी उनके इंटरेस्ट चुकाने के लिए आरबीआई को अपना गोल्ड, जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस चीज होता है, वो तक गिरवी रखना पड़ गया था। तो आप सोच सकते हो कि घर का जेवर किसी को गिरवी रखना पड़ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, वही बात यहाँ भी हुई, आरबीआई को अपना गोल्ड जो है गिरवी रखना पड़ा और इस कंडीशन में हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो ये क्राइसिस वगैरह जब आए तो फिर क्या कंडीशंस हुई, अब इस क्राइसिस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF का लगातार प्रेशर बढ़ रहा था कि आपको अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए, इसीलिए द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP शॉर्ट में से कहते हैं 1991 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इसको अप्लाई किया था वो थे मिस्टर PV नरसिम्हा राव, यानी पामुलरापति वेंकट नरसिम्हा राव, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और ये 1991 से लेके 1996 तक हमारा प्राइम मिनिस्टर रहे थे और इन्होंने इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को चालू किया। उनके अंडर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त वो थे मनमोहन सिंह, सही है, मनमोहन सिंह वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये पहले हमारे गवर्नर भी रह चुके थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और लीड कर रहे थे कौन, प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, उनके पूरे और जो ऑब्जर्वेशन में ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी। और उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारे सुधार किए और उन सुधारों की वजह से जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस जो पिछले 40 सालों से रुका हुआ था आगे बढ़ ही नहीं रहा था, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा आ गई थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई थी, उन सब से हम निकलने की कोशिश की। मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, LPG, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन आगे करें। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आपका आएगा वो आएगा लिबरलाइजेशन।
लिबरल करना, इकोनॉमी को खुला छोड़ देना, लिबरल करना कि आप बिजनेस कर सकते हो, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही पहले सब बिजनेस के अंदर लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा था, ठीक है, क्योंकि हम रशियन स्ट्रेटेजी पे चल रहे थे, सोशलिस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर चल रहे थे, जिसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन हमने 40 सालों में देखा, हमारे बहुत बहुत कीमती साल आजादी के बाद के 40 साल वेस्ट हो गए, सही है। उसमें हमको जो डेवलपमेंट करना था उस वक्त चाइना, जापान, वो भी उसी वक्त 1950s के अंदर भी उन्होंने अपना डेवलपमेंट चालू किया था, लेकिन आज देखो चाइना और जापान कहाँ पहुंच गए और हम कितने पीछे रह गए। उसके पीछे रीजन है कि 40 साल की जो शुरुआती हमारी पॉलिसीज थी वो एकदम फ्लॉप प्रूव हो गई, और इसी कारण से 1991 के अंदर हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। उसमें लिबरल क्या कि लाइसेंस जो है उसको जो है अब गवर्नमेंट ने क्या कि हटा दो, जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक जो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उन्हीं के ऊपर लाइसेंस रखा, बाकी सब चीजों को लाइसेंस पे हटा दिया, कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली अपना बिजनेस जो है खोल सकते हो, आप इंडस्ट्री में एंटर भी कर सकते हो, आप इंडस्ट्री से एग्जिट भी कर सकते हो, उसमें लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं थी। लिबरल कर दिया, खुली छूट दे दी बिजनेस करने के लिए, सही है। तो काफी सारे रिफॉर्म्स जो है लिबरलाइजेशन में किए गए, अलग अलग सेक्टर जो है वो यहाँ बांटे गए कि कौन कौन से सेक्टर में ना हमने रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन फाइनेंशियल सेक्टर, देन टैक्स रिफॉर्म, टैक्स वगैरह भी रेट्स ज्यादा थी उनको कम की गई, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, और देन फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, इनके अंदर क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। पहले बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे या लिमिटेड कर सकते थे, है ना, उनके ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। इसी तरह से टैक्स रिफॉर्म, जो इंपोर्ट्स वगैरह की जो ड्यूटी थी वो बहुत महंगी थी उन सब चीजों में। ऐसे ही फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक से लोन वगैरह लेना जो है वो ईजी कर दिया, इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री से लाइसेंस वगैरह हटा दिया। तो इनके बारे में काफी सारा डिटेल डिस्कशन जो है वो अपन चैप्टर के अंदर करेंगे। अभी मैंने केवल हेडिंग बताई है कि लिबरलाइजेशन में किस टाइप के रिफॉर्म्स जो है वो किए गए। देन आपका आया प्राइवेटाइजेशन। सर ये प्राइवेटाइजेशन क्या है? देखो प्राइवेटाइजेशन के नाम से ही पता लग रहा है कि बिजनेस को प्राइवेट हाथों में दे देना, या तो मैनेजमेंट उनके हाथ में प्राइवेट के हाथ में दे देना, और या फिर अपनी जो इक्विटी है, जो शेयर कैपिटल है, जो आपकी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट जो है उसको प्राइवेट हाथों में दे दे, यानी वो गवर्नमेंट के हाथों से निकलकर कहाँ चल जाए, प्राइवेट के हाथों में चले जाए, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, कई बड़े बिजनेस थे, इनके एग्जांपल मैं दूंगा क्योंकि इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नवरत्ना और मिनी रत्ना जो बड़े बिजनेस थे गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर के, पीएसयू कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, है ना, इनको क्या कहते हैं, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। वो जो प्रॉफिट कमाते थे उनको टाइटल्स दिए नवरत्ना, कि हमारे नवरत्ना है। इसमें कौन कौन से बिजनेस आते हैं वो बताऊंगा। मिनी रत्ना जो इतने बड़े तो नहीं थे, छोटे थे लेकिन प्रॉफिट कमा रहे थे, गवर्नमेंट इनको भी अप्रिशिएट करना चाहती थी, इनको भी टाइटल्स दिए गए, ये मिनी रत्ना है, और इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। देन आया आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि सर ऐसे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन के फेवर में आर्ग्यूमेंट दीजिए, सही है, कि कुछ जनों ने कहा प्राइवेटाइजेशन होने से जो है वो प्रोडक्शन बढ़ गया, मैनेजमेंट स्किल्स सुधर गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ऐसे काफी सारे आर्गुमेंट हैं, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ ने अगेंस्ट में कहा कि इससे जो गरीब आदमी है उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, महंगाई बढ़ गई, इस तरीके के अगेंस्ट में आर्गुमेंट भी आएंगे। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन चैप्टर के साथ अंदर करेंगे। तो ये हो गया लिबरलाइजेशन, ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आपका आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ये ग्लोब है, आप ग्लोब में कहीं भी बिजनेस करें अपने, ये इंडिया है, इंडिया से आप कहीं भी बिजनेस जाके कर सकते हैं, और बाकी जने भी ग्लोब से इंडिया में आके काम कर सकते हैं। पूरा ग्लोब जो है वो लाइक ए फैमिली है, आप ग्लोब पे जाके कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसके भी फेवर में और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं। फेवर में तो ये कि चलो अमेरिका की कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, उसको आज हम इंडिया में खरीद सकते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो सका है। ऐसे इंडिया के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके बिक सकते हैं, फेवर में, इससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगेंस्ट में भी हो गया क्या कि इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री है वो अमेरिका की बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रही, क्वालिटी में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रही, रेट में इतनी अच्छी रेट नहीं दे पा रही, तो फिर वो उनके सामने नहीं टिक पाएगी, और जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो इससे बंद भी हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट में भी आया। देन कुछ नए वर्ड आएंगे, आउटसोर्स करना। आउटसोर्स करने का मतलब है कि अपने काम को बाहर से करवा लेना। जैसे मैं आपको आउटसोर्सिंग का एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यूएसए में
कोई किसी कंपनी को अपने अकाउंट्स डेवलप कराने हैं। अब वहां तो अकाउंटेंट बहुत महंगे मिलते हैं, दैट्स वाई वो इंडिया के किसी कंपनी से कहती है कि तुम हमारे अकाउंट मेंटेन कर लो। तो यूएसए ने अपना काम कहां से करवा लिया, इंडिया से। अब वो ये सारा काम इनको करके दे देंगे, ठीक है। तो इस कंपनी का काम बाहर से होकर आया है, इसे वो क्या बोलते हैं, आउटसोर्स होना, सही है। बाहर से किसी को करा काम को करवा लेना आउटसोर्स है। और आजकल ऐसे बहुत सारी कंपनियां यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर है जो अपने काम जो है एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, यहां से करना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती है और यहाँ सस्ती रेट पर उन्हें प्रोफेशनल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे। देन आएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इस पूरे ग्लोबलाइजेशन यानी इंटरनेशनल ट्रेड पे जो है नजर रखती है। तो WTO कब बनी, कैसे बनी, हु आर द मेंबर ऑफ दैट, इसका क्या काम है, ये अपने काम को किस तरीके से करती है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन यहां करेंगे। देन आएगा आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। सर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए इनके फेवर में, तो देखो ऐसा है, 1990 में अपनी स्थिति बहुत खराब थी, सही है। उस वक्त जो है आपका कहां से पेट्रोल की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी और भारत सरकार के पास तो पहले ही पैसे कम थे, क्योंकि उन्होंने लोन ही लोन लिए पिछले 40 सालों के अंदर। इतने लोन चढ़ गए कि हमारी एकदम बर्बादी के कगार पे हम पहुंच गए थे। अगर हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लाते तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती। तो ये सारा का सारा जो श्रेय है इसका पूरा फेवर जो है वो उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पे जाता है और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह पे जाता है, जिन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाकर देश को जो है वो एक नई साइड से जो है जो अपने पेस है वो उन्होंने दिया। और देन आर्गुमेंट के बाद क्रिटिसिज्म भी आएगी, सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने किए लेकिन प्रॉब्लम्स तो आज भी है, देखो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। तो क्रिटिसिज्म में यही बताया जाएगा, सर पॉवर्टी तो आज भी है, इन्फ्लेशन तो आज भी है, वो समस्या जो 1990 में बड़े वे में थी या छोटे वे में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुई है, तो ऐसी क्रिटिसिज्म भी आएंगी। तो पूरे चैप्टर के अंदर जो यह है ये मैं डिटेल में आपके सामने डिस्कस करूंगा, ये सारे पॉइंट, इन सबके पॉइंट्स क्या है, इनर पॉइंट क्या है, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, आप आंसर कैसे लिखेंगे, वो सब चीजें जो है वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है LPG और काफी सारी नॉलेजेबल थिंग्स और वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेगी। तो आगे का टॉपिक जो है वो मैं पूरा का पूरा नोट से समझाऊंगा। PDF फाइल जो है वो वीडियो के साथ लगी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे नोट्स जो मैं आपके साथ रीड करूंगा वो सब आप अपने सामने रख सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी और आपका टाइम बचेगा और टाइम बहुत प्रीशियस है आपका, ये बात मैं समझ सकता हूं। तो अब आगे का काम अपन नोट से चालू करते हैं, चले। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे शॉर्ट में सब LPG कहते हैं, और ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो देखो इन द ईयर 1991, पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसके पहले की क्या कंडीशन थी, क्यों हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे NEP, नई इकोनॉमिक पॉलिसी हमें बनानी क्यों पड़ी, क्योंकि 1991 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम हो गई थी। हमारी ग्रोथ रेट अप्रोक्सली थी 1.3%। इसके अलावा इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इट वाज अप्रोक्सली 16.8%, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व रेशो था वो केवल $6 बिलियन रह गया था। ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हम पहुंच गए थे और इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि हमारे पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे और इवन RBI को अपना 20 टन्स गोल्ड जो है वो वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखना पड़ गया था। हमारी पोजीशन बहुत ख़राब हो गई। इस कंडीशन में हम जो है वर्ल्ड बैंक में गए, वर्ल्ड बैंक जो कि पूरे दुनिया के देशों को लोन देता है, इसके अलावा IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। जब हम इनके पास गए कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। उन्होंने कंडीशंस क्या रखी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कहा कि भाई हम आपको लोन दें, उन लोन के लिए पहले आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी की स्थिति बहुत ख़राब है।
आपकी जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 1.3% है, आपके यहाँ महंगाई जो कि नॉर्मली 4-5% होनी चाहिए ये 16.8% है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का बिल्कुल भी रिजर्व नहीं पड़ा है। तो अगर आप कुछ सर्टेन कंडीशंस पूरी करेंगे तो ही हम आपको लोन देंगे। तो 1991 से पहले हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पी वी नरसिम्हा राव, पामुलरापति वेंकट नरसिम्हा राव। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर एफएम जो बनाया वो बनाया श्री मनमोहन सिंह को, और उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे पहले 1991 के अंदर दी थी, सही है। अब 1991 की जो हमने कुछ कंडीशन देखी कि ये 1991 की कंडीशन थी, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें कि 1991 में हमारी स्थिति क्या थी, क्यों हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी, देखते हैं। तो 1991 के अंदर जो चेंजेस किए गए उनको नाम दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है इम्प्रूवमेंट्स, कि हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए। 1991 में इंडिया की क्या कंडीशन थी उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस दे रही थी, बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे थे और उन लॉसेज का बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ रहा था, गवर्नमेंट के ऊपर। इससे गवर्नमेंट को काफ़ी घाटा काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। जहाँ 1951 के अंदर इंडिया में केवल 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, PSU बोलते हैं इनको, पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU, वो 1991 में बढ़कर 232 हो गई थी, देख लो कितना टाइम्स हो गया। लेकिन ये बहुत ही कम ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो कि प्रॉफिट कमा रही थी, नॉर्मली सारी की सारी नुकसान कमा रही थी, और इस नुकसान की वजह से वो सारा का नुकसान का बर्डन, जो लॉस का बर्डन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पड़ रहा था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन दिनों दिन खराब होती जा रही थी, सही है। आगे देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत घाटा हो रहा था। डेफिसिट ऑफ पेमेंट क्या होता है पहले ये आपको बता दूं। देखिए जैसे ये इंडिया है, ये यूएसए है, ऑब्वियसली इंडिया यूएसए को गुड्स एक्सपोर्ट करता है और यूएसए से गुड्स इंपोर्ट भी करता है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट जो थे ना वो 1991 में बहुत ही कम थे, ठीक है, एक्सपोर्ट तो बहुत कम थे, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थे। इस कारण से इंडिया को ज़्यादा पेमेंट्स करने पड़ते, भाई आप सामान मंगाओगे तो पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा, और यूएसए से एक्सपोर्ट कम होने के कारण आपके पास पैसा आ कम रहा था, तो ये मनी तो कम थी आने वाली और जाने वाली ज़्यादा थी, तो इस कारण से आपको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। डेफिसिट चल रहा था कि आपके इंपोर्ट जो थे उसके बदले पैसा ज़्यादा जा रहा था, आपके डॉलर्स जा ज़्यादा रहे थे और आ कम रहे थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको कहते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी पैसे का आना जाना, उसमें गवर्नमेंट को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसी के बारे में आता है आपका क्या, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो फॉरेन लोन थे वो बहुत बढ़ गए, इस कारण से इंडिया की GDP जो थी उसका 23% जो है 1991 में आपके लोन हो गए थे, जबकि 1980-81 में वो सिर्फ 12% थे। यानी देखो अगले 10 सालों में लगभग डबल जो है हमारे ऊपर लोन चढ़ गए थे और हमारी लोन पे रीपे करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं थी। इस कारण से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में हमें काफ़ी नुकसान उठाने पड़े थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी महंगाई, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो थी, जो पहले 6.7% थी, वो बढ़कर लगभग 16.8 पहुंच गई 1991 में, और इसके कारण से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके पीछे रीज़न यही था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही थी। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, जब गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम उसके पास होती है कम, यानी एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम्स, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, तो गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है, एक्सपेंसेस तो ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट RBI को कहती है भाई तुम हमें पैसे दो,
अब आरबीआई बेचारा पैसे कहाँ से देगा, तो वो नए करेंसी नोट इशू कर देता था। तो नए करेंसी जब मार्केट में पैसा आने लग जाता था तो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता था, और मार्केट में जब पैसा ज़्यादा हो जाता है, लोगों की जेबों में खूब पैसा है, तो डेफिनेटली वो किसी भी भाव में सामान खरीदना चाहेंगे, और इससे महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। जब भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है, तो इस कारण से वह महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होने के कारण हमारे डॉलर बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे थे, इस कारण से हमारे इंडिया में डॉलर की जो है कमी हो गई, और हमारे पास डॉलर इतने कम हो गए कि इवन अ फोर्टनाइट यानी 15 दिन यानी 14-15 दिन का ही आपके पास पेमेंट करने के लिए पैसा बचा था, जबकि किसी भी देश के लिए इतनी इमरजेंसी का पैसा इतना कम होना अच्छी बात नहीं है। तो देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको केवल 6 मिलियन डॉलर जो है वो आपके पास बचे थे, और ये केवल 13-14 दिन का ही पैसा जो था वो इंडियन गवर्नमेंट के पास था। ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, उस टाइम के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने जब भी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़े तो उन्होंने नए लोन ले लिए, नए लोन लेके उन्होंने टेम्परेरीली काम चला लिया, लेकिन वो लोन धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि हम इंटरेस्ट ही नहीं चुका पा रहे थे, इवन हम इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे थे, हमारी स्थिति ये हो गई। तो इस कंडीशन में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल होने लग गए, और देश में इंटरेस्ट का जो खर्चा था देश का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दैट्स वाई इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो गई वर्ल्ड बैंक के पास और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कि हाँ भाई हमें लोन दो। टू अवेल दिस लोन इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो एग्री टू द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF। IMF ने कुछ कंडीशन लगाई कि हम आपको लोन तभी देंगे जब जो है आप कुछ कंडीशन अप्लाई करोगे, देश में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करोगे, कुछ सुधार करोगे, उसके बाद ही हम लोन देंगे। क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट को 7 बिलियन जो है डॉलर वो वर्ल्ड बैंक से IMF से लेने थे, और इस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी भी बन गया था कि वो उनकी कंडीशन माने, और ये देश के लिए अच्छा भी था, इसलिए गवर्नमेंट ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करना कहा। अब IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्या कंडीशन लगाई अपन उसे देखते।